दोस्तों, आज के वीडियो में हम आईपीएल के बारे में बात करने वाले हैं। आईपीएल किसी सुहाने मौसम की तरह हो गया है, लेकिन यह आईपीएल का मौसम केवल 2 महीने के लिए ही आता है और क्रिकेट प्रेमियों का दिल छू जाता है। चाहे किसी भी देश का क्रिकेट प्रेमी हो, हर कोई इसके शुरू होने का इंतजार करता है। आईपीएल ने अपने पहले ही मैच से लोकप्रियता हासिल करनी शुरू कर दी थी। आईपीएल के टूर्नामेंट में अलग अलग देशों के खिलाड़ी आकर भारत के शहरों के नाम से प्रतिनिधित्व करते हुए खेलते हैं। आईपीएल को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के द्वारा ही संचालित किया जाता है। आईपीएल की खास बात यह है कि ये मैच केवल 20-20 ओवर का ही होता है। आईपीएल की स्थापना 2007 में बीसीसीआई के पूर्व सदस्य ललित मोदी के द्वारा की गई थी। आईपीएल दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित क्रिकेट का खेल है और दुनिया के सभी खेल लीग के बीच 6ठे स्थान पर है। आईपीएल का 2010 में YouTube पर सीधा प्रसारण किया गया था। आईपीएल की शुरुआत 23 सितंबर 2007 में हुई थी और आईपीएल की प्रथम विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी। ब्रैंडन मैकुलन ने आईपीएल के पहले मैच में 158 रन बनाकर इस खेल को और भी ज्यादा रोचक और लोकप्रिय बना दिया था। आईपीएल के मैचों में सबसे ज्यादा कैच सुरेश रैना ने लिए हैं। आईपीएल के सभी मैचों का पहला मैच मुंबई इंडियंस या कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों ने ही जीता है। 2015 तक के आईपीएल के इतिहास में युवराज सिंह को सबसे अधिक 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, जबकि आईपीएल की पुरस्कार राशि 15 करोड़ रुपए थी। आईपीएल के मैचों में यूसुफ पठान ने 37 गेंदों में 100 रन बनाकर आईपीएल का सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ही एकमात्र ऐसी टीम रही है जिसने अपना कप्तान नहीं बदला। धोनी शुरू से ही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने के बाद धोनी नई टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान बने। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के 7 सीजन में सबसे ज्यादा बार अंतिम में हारने वाली टीम है। यूसुफ पठान 3 बार विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। वह 2008 के चैंपियन राजस्थान रॉयल्स और फिर 2012 और 2014 के चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के सदस्य रहे थे। 2014 को आईपीएल मैच में अंपायर ने किरण पोलार्ड को शांत रहने को कहा था, तो किरण पोलार्ड ने अपने मुंह पे टेप लगा कर आ गए थे। आईपीएल 2 में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच में एक कुत्ता मैदान पर आ गया था। अमेरिका की एक एजेंसी के सर्वे के अनुसार आईपीएल की कुल ब्रांड वैल्यू 2015 में लगभग 5 अरब अमेरिकन डॉलर थी। आईपीएल में गौतम गंभीर के नाम सबसे अधिक शतक है और गौतम गंभीर के नाम ही सबसे अधिक शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड भी है। पार्थिव पटेल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 6 अलग अलग टीमों के लिए खेला है। आईपीएल में सबसे अधिक मैच मुंबई इंडियंस के द्वारा खेले और जीते गए हैं। सबसे अधिक जीत का प्रतिशत चेन्नई सुपर किंग्स के नाम है। बीसीसीआई के अनुसार 2015 के आईपीएल ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 182 मिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया था। भारतीय खिलाड़ी जहीर खान एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने आईपीएल के पहले और 500वें मैच को खेला है। 2013 के आईपीएल में डेल स्टेन ने 212 डॉट बॉल फेंक कर एक रिकॉर्ड बनाया था। आईपीएल में सबसे अधिक बार हारने और कभी फाइनल में नहीं पहुंचने की खिताब डेहरी डेयरडेविल्स के नाम है। पीयूष चावला ने आईपीएल में अब तक 400 ओवर किए हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उन्होंने इन 400 ओवरों में एक भी नो बॉल नहीं फेंका है। यह एक रिकॉर्ड है। 2007 में इंडियन क्रिकेट लीग की स्थापना जेईई इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस द्वारा प्रदान धन के साथ हुई थी। आईपीएल में सबसे अधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड गौतम गंभीर के नाम है और सबसे अधिक शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। अशोक बिंदा ने आईपीएल में 5 टीमों के लिए खेला है, लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन्होंने जिन टीमों के साथ खेला है वो टीम कभी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई है। आईपीएल को सबसे अधिक बार जिताने का खिताब रोहित शर्मा और यूसुफ पठान के नाम है। आईपीएल में सबसे अधिक मैच मुंबई इंडियंस के द्वारा खेले और जीते गए हैं। आईपीएल 2019 को शुरू होने से पहले दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम को बदलकर दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया। आईपीएल में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है। आईपीएल मैच में केवल अनिल कुंबले ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो फाइनल मैच में हारी हुई टीम में रहते हुए भी मैन ऑफ द मैच बने थे। आईपीएल ने बहुत से भारतीय खिलाड़ियों को भी अंतर्राष्ट्रीय टीमों में पहुंचाया है। हर साल नए खिलाड़ी उभर कर आते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। अजीत चंदेला और अंकित चौहान के साथ श्रीशांत को 2013 में आईपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बीसीसीआई ने श्रीशांत पर आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में जीवन भर क्रिकेट मैच न खेलने का प्रतिबंध लगाया था। आईपीएल में सबसे ज्यादा स्पेकुलेटिव भी लगाया जाता है। यह एक आपराधिक कार्य है जिसमें बहुत से लोग दिवालिया हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।